हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, वीक थ्री की फुल टीआरपी जो है वो आ चुकी है और इस वीडियो में हम सारे शोज़ की टीआरपी देखने वाले हैं। जो टीआरपी इस हफ्ते की है थोड़ी बहुत डिले हो गई थी, वो डिले होने का कारण ये है, रिपब्लिक डे की हॉलीडे के कारण थोड़ी देर से, एक दिन के डिले में रिलीज़ हुई है जो टीआरपी है। एनीवेज, अब हम देख लेते हैं जो टॉप हमारे जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनकी क्या रैंकिंग है इस बार। तो नंबर 7 पर है एंड टीवी, उसके ऊपर नंबर 6 पर है स्टार भारत, नंबर 5 पर है सोनी टीवी और नंबर 4 पर जी है सोनी के ऊपर, नंबर 3 पर है कलर्स, नंबर 2 पर है सब टीवी और नंबर 1 पर स्टार प्लस है। तो गाइस, सब टीवी की कलर्स से ऊपर जा चुका है, नंबर 2 पे है इस बार। तो हमारे टॉप जो 3 चैनल्स हैं वो है नंबर 1 स्टार प्लस, नंबर 2 सब टीवी, नंबर 3 कलर्स टीवी। अब हम इंडिविजुअल शोज़ की टीआरपी देख लेते हैं चैनल बाय चैनल। सबसे पहले एन टीवी के शोज़ पर नज़र डाल लेते हैं। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 0.4 है, घर एक मंदिर की 0.3 है, और भाई क्या चल रहा है कि 0.2, बाल शिव की भी 0.2, हप्पू की उल्टन पलटन और भाभी जी घर पर हैं दोनों ही शोज़ की 0.4 है, और जो कि चैनल के लिए हाईएस्ट है 0.4, बी आर अम्बेडकर की भी 0.4 है। तो ये तीनों हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं एन टीवी के। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल जो है वो है दंगल टीवी। तो मन सुंदर की जो टीआरपी है इस हफ्ते 0.4 आई है, सिंदूर की कीमत की 0.4 दोनों की, नत जेवन है जंजीर की 0.6 आई है, रक्षाबंधन की 0.8, रंग जाऊँ तेरे रंग में की 0.6 टीआरपी आई है। तो जो हाईएस्ट टीआरपी शो है आप देख ही सकते हैं दंगल टीवी पे, वो है रक्षाबंधन 0.8 की टीआरपी के साथ, फ्लैगशिप शो बना हुआ है दंगल टीवी का करेंटली। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है स्टार भारत। तो ससुराल गेंदा फूल 2 की वैसे ही टीआरपी है हर हफ्ते के जैसे, 0.2 की टीआरपी लाया है इस हफ्ते भी। तेरा मेरा साथ रहे की 0.5 है, तो ठीक टीआरपी है इसकी, डिसेंट है। राधा कृष्ण की भी 0.5 है और जय कन्हैया लाल की भी 0.5 है, तीनों शो सही परफॉर्म कर रहे हैं। 0.5 अगर किसी दूसरे चैनल पर होते तो हम कहते लो है, लेकिन स्टार भारत पे 0.5 डिसेंट टीआरपी है, और ऐसी टीआरपी के साथ कई साल तक भी ये जो शोज़ हैं सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज स्टार भारत पे इतनी ही टीआरपी सफिशिएंट है चैनल के हिसाब से। लेकिन जो ससुराल गेंदा फूल 2 है उसकी टीआरपी काफ़ी कम है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है। बढ़ते हैं अब हम अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है सोनी टीवी। तो मेरे साईं की टीआरपी 0.8 आई है और पुण्य श्लोक अहिल्या बाई की 0.9 है, बड़े अच्छे लगते हैं 2 की 0.7 है जो कि स्टेबल है, कामना की 0.4 आई है, शार्क टैंक इंडिया की 0.4 है। तो शार्क टैंक इंडिया को टीवी पर कम देखा जाता है, टीआरपी कुछ खास नहीं आती है इसकी, 0.4 वगैरह ही आती है, लेकिन ऑनलाइन व्यूअरशिप और जो ऑनलाइन इसके रिवॉल्विंग जो डिस्कशन होती है सोशल मीडिया पर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो ऑलमोस्ट कपिल शर्मा शो या फिर KBC के लेवल की ही है, और इसको काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन प्रेज़ मिल रहा है, काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है हमारी पूरी इंडिया में, लेकिन टीवी पर जो टीआरपी है वो स्टिल इसकी लो है। धड़कन जिंदगी की 0.2 टीआरपी आई है, क्राइम पेट्रोल की भी 0.2 है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट सोनी टीवी का जो शो है 2.3 की टीआरपी लेकर आया है और सोनी टीवी का हाईएस्ट परफॉर्मर बनता है इस हफ्ते। तो काफ़ी देर से ये हम सोच रहे थे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो है चैनल शिफ्ट के बाद कैसा परफॉर्म करेगा, क्या सोनी पर भी अच्छी टीआरपी लेकर आ पाएगा, तो उसने प्रूव कर दिया है कि चैनल कोई भी हो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की टीआरपी अच्छी आएगी, 2.3 की बहुत अच्छी टीआरपी लेकर आया है। द कपिल शर्मा शो की 1.6 है जो कि IGT से कम है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है जी टीवी। तो इसके शोज़ पे नज़र डालें तो इस मोड से जाते हैं कि टीआरपी 0.6 आई है इस हफ्ते, रिश्तों का मांझा 0.7 लेकर आया है, मीत बदले की दुनिया की रीत वैसे ही जी टीवी के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए 1.3 की टीआरपी लेकर आया है, स्टेबल टीआरपी रहती है इसकी हर हफ्ते। काशीबाई बाजीराव बलाल की 0.9 है, इसकी भी इसके आसपास ही रहती है हर हफ्ते। भाग्य लक्ष्मी की 1.9 टीआरपी आई है इस हफ्ते। तो भाग्य लक्ष्मी की टीआरपी में हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है डेफिनेटली, बिकॉज 2+ की टीआरपी लेकर आने लग गई थी, लेकिन अब दोबारा से इसमें हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है और 2 से नीचे गिर गई है, 1.9 टीआरपी है। कुमकुम भाग्य की टीआरपी 2.4 है, काफ़ी देर से अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुंडली भाग्य की 2.3 है, इस बार भी कुमकुम से पीछे ही है ये। तेरे बिना जिया जाए ना शो 1.2 की टीआरपी लेकर आया है इस हफ्ते, अगर तुम ना होते की 0.7 है, और सारे गामा पा की 1.3 है। ऑलमोस्ट सारे शोज ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा जी टीवी पर, और कुमकुम भाग्य जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मर है जी टीवी का इस हफ्ते भी। तो बढ़ते हैं अब हम अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल जो है वो है सोनी सब यानी कि सब टीवी। तो मैडम सर की जो टीआरपी है वो 0.7 आई है, इसकी टीआरपी में काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है और काफ़ी सही टीआरपी लेकर आ रहा है अपने टाइम स्लॉट्स वगैरह के हिसाब से, 0.7 काफ़ी सही है। जिद्दी दिल माने ना कि 0.6 है, 8 बजे के टाइम स्लॉट पर देखा जाए तो इसकी टीआरपी कुछ खास नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करें तो 1.9 की टीआरपी है आजकल, इसकी टीआरपी में पहले वाली बात नहीं रही, 2.5+ वगैरह वो तो अब कभी लाता ही नहीं है। वागले की दुनिया की 1.0 टीआरपी है, ये शो अच्छा परफॉर्म कर रहा है सब टीवी के लिए, हमेशा स्टेबल टीआरपी रहती है इसकी, घटती नहीं है। शुभ लाभ की 0.6 है, इसकी भी जिद्दी दिल जैसी ही टीआरपी है। तेरा यार हूँ मैं की 0.4 टीआरपी है,
इसकी भी काफ़ी हफ्तों से 0.4 पर ही अटकी हुई है। तो फिलहाल के लिए वागले की दुनिया मैडम सर तारक मेहता ठीक परफॉर्म कर रहे हैं सब टीवी के लिए। और अब हम चलते हैं अगले चैनल पे। अगला चैनल जो है वो है कलर्स टीवी। तो थपकी प्यार की सीज़न 2 लेकर आई है 0.8 की TRP इस हफ्ते। ये अर्ली टाइम स्लॉट्स वाले शोज़ हैं जो कलर्स टीवी पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं इनके टाइम स्लॉट्स के हिसाब से। ससुराल सिमर का 2 1.4 की TRP लेकर आया है। उड़ारियाँ की TRP इस हफ्ते 2.2 है, इसकी TRP में हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। छोटी सरदारनी की TRP 1.6 है, सिर्फ तुम की 1.4, बालिका वधू 2 की 1.0। तो बालिका वधू 2 भी ऑफ ए डेंजर में है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, और इसकी TRP में हमें इंक्रीज़ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये शो जो है वो ऑफ एयर चला जाएगा, बिकॉज इससे जितने TRP वो एक्सपेक्ट करते थे बिल्कुल भी उतनी नहीं ला रहा है। नीमा डेंजोंगपा की 1.2 है, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी की 1.0, मोलके की 0.9। बिग बॉस 15 की बात करें तो वीकडेज वाले एपिसोड्स की 1.0 है, और जो वीकेंड के वाले एपिसोड्स हैं वो 1.3 की TRP लेकर आए हैं। ओवरऑल जो TRP है हुई बिग बॉस की वो है 1.2। तो आने वाले दिनों में कलर्स टीवी पे काफ़ी ज़्यादा नए शोज़ आने वाले हैं और काफ़ी पुराने शोज़ ऑफ एयर जाएंगे। तो आने वाले हफ्तों में, एक्चुअली आने वाले महीनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कलर्स टीवी के जो नए शोज़ हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे, और काफ़ी पुराने जो शोज़ हैं वो ऑफ एयर भी जाएंगे। तो नए शोज़ की परफॉर्मेंस देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल जो है वो है स्टार प्लस, यानी कि इंडिया का नंबर वन चैनल। तो इसकी शोज़ पे नज़र डालें तो चीकू की मम्मी दूर की लाई है 0.6 की TRP इस हफ्ते। विद्रोही की भी जो TRP है 0.6 है, दोनों की सेम रहती है। अर्ली टाइम स्लॉट्स वाले शोज़ हैं ये। स्टार प्लस के अर्ली टाइम स्लॉट्स वाले शोज़ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं जितना कि कलर्स के अर्ली टाइम स्लॉट्स वाले जो शोज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं। कभी कभी इत्तेफाक से लाया है 1.1 की TRP। पांडे स्टोर 1.8 की TRP लेकर आया है, थोड़ा सा डिक्रीज़। गुम है किसी के प्यार में लाया है 3.0 की TRP। स्टील जो TRP है इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इमली की TRP है 2.8। साथ निभाना साथिया 2 लाया है 2.1 की TRP। और गाइस जब हम बात करें ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, तो जैसा कि गुम है किसी के प्यार में और ये रिश्ता के बीच में क्लैश चल रहा है TRP का, तो काफ़ी ज़्यादा पास पास होते हैं। तो इस हफ्ते तो दोनों की सेम TRP आई है, तो नंबर 2 स्पॉट के लिए इन दोनों शोज़ में आजकल जंग चलती है स्टार प्लस के बीच ही। अनुपमा की TRP है 3.9, ये हैं चाहते की है 2.8 और डांस प्लस की है 1.1। तो हाईएस्ट TRP शो स्टार प्लस का वही है अनुपमा हर हफ्ते की तरह। तो गाइस ये थी फुल TRP वीक 3 की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे चैनल्स के फैंस के साथ। कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट शो और आपका फेवरेट चैनल कौन सा है। ऐसी फुल TRP हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए ताकि मैं जब वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप किसी भी TRP अपडेट को मिस ना करें, आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।